नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ज्योतिष वास्तु चैनल ABS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को धन संपदा प्रदान करने वाली शक्ति माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर धन संपदा और ऐश्वर्य माँ लक्ष्मी की कृपा से ही है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जिस भी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती हैं, उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। उसे कभी भी किसी प्रकार से धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए सभी लोग देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही लोग अपने घरों या अन्य जगहों पर भी माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा भी लगाते हैं। दोस्तों, घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ होता है। हालांकि इनकी तस्वीर लगाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको धनवान बनाती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिन्हें घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी की कौन सी फोटो या मूर्ति घर में नहीं लगाना चाहिए और उनकी किस प्रकार की फोटो या मूर्ति लगाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन कभी भी घर में माँ लक्ष्मी की उल्लू के साथ या उल्लू की सवारी करते हुए तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उल्लू का कभी भी कोई स्थायी वास नहीं होता है, वो अपना निवास बदलता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो लोग गलत कार्य करके धन कमाते हैं, उनसे नाराज होकर माँ लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवार होकर उस घर से एक दिन निकल जाती हैं। इसीलिए उल्लू के साथ माता की तस्वीर अपने घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी खड़ी हुई नजर आए, उसे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की तस्वीर का अर्थ यह होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा भक्तों पर ज्यादा नहीं पड़ेगी और माँ लक्ष्मी जल्दी ही उनके घर से चली जाएंगी। दोस्तों, कभी भी माँ लक्ष्मी की खंडित मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं रखना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी की धुंधली या खंडित तस्वीर या मूर्ति रखने से घर में गरीबी और समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर के अंदर माँ लक्ष्मी की सबसे शुभ तस्वीर फोटो या मूर्ति वह होती है जिसमें लक्ष्मी माँ कमल के फूल पर विराजमान हो और सोने के सिक्के बरसा रही हो। दोस्तों, घर के अंदर माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर शुभ मानी जाती है जिसमें मैं आशीर्वाद की मुद्रा में बैठी हुई हूँ। इस तरह की तस्वीर लगाने से माँ हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में कुबेर को स्थायी संपत्ति के देवता माना गया है। ऐसे में घर में स्थायी धन के लिए माँ लक्ष्मी के साथ कोषाध्यक्ष कुबेर की तस्वीर जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कुबेर जी की कृपा से घर में स्थायी रूप से अच्छी मात्रा में धन बना रहता है। दोस्तों, घर के अंदर माँ लक्ष्मी के साथ उनके पति भगवान विष्णु की तस्वीर लगाना धन सुख संपत्ति के लिए बहुत शुभ होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर के अंदर माँ लक्ष्मी के साथ गणेश और सरस्वती जी की तस्वीर या मूर्ति भी सुख समृद्धि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद। जय भारत। आपका समय शुभ रहे।